कार रैली का एक ही तात्पर्य है, जो भाजपा सरकार के अगुवा हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि मैं बाबा साहब का सेवक हूँ। और बाबा साहब का सेवक जो है, जब बाबा साहब के बच्चे जो है पार्लियामेंट पे जो है सेवक से मिलने आते हैं, संविधान की चर्चा करने चाहते हैं, तो उस सेवक के नुमाइंदे जो है उन बच्चों को जो है रोकने का काम करते हैं, दो दो तीन तीन किलोमीटर पे बैरिकेटर लगाते हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब का नाम लेकर हम आइडियोलॉजी को आगे नहीं बढ़ने देंगे जो है। उनका स्पष्ट संकेत है, वो एक हाथ में जो है मनुस्मृति को रखना चाहते हैं और संविधान को गिराने की बात करना चाहते हैं, और ये कभी भी लागू नहीं हो सकता जो है। ये देश बाबा साहब का था, है और रहेगा। ये देश जो है संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। अगर नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के लोग जो है ये सोच रहे हैं कि ये देश मनुस्मृति से चलेगा, ये कभी नहीं हो सकता जो है। भारत में हमेशा जब भी क्रांति हुई है, रक्त विहीन क्रांति हुई है, रक्त रंजित क्रांति कभी नहीं हुई है इस देश में जो है। हमारे पुरुष महापुरुषों का आंदोलन, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हो, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे पेरियार हो, चाहे रामा ज्योतिराव फुले, माता सावित्री बाई फुले, मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन तक आप लोग देखेंगे, जो हमारा पूरा का पूरा आंदोलन जो बहुजन हिताई बहुजन सुखाई पर आईडा आधारित है, और ये आंदोलन कभी रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल जी, अभी भीमा कोरेगांव के अंदर जो इतना बड़ा घटना हुआ, और जहाँ हर साल लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन आईबी और सीबीआई जो पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको ये पता था कि इतनी पब्लिक आएगी, उसके बावजूद इस तरीके की वहाँ घटना घटी। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 से शुरू हुआ। हमारे 500 महावीर सूरवीरों ने जो है अपनी शहादत देके जो है 28,000 पेशवाओं को जो है, जो नाको चने चबाए जो है, वो इन पेशवाओं रूपी ब्राह्मणों को जो है ये हजम नहीं हो रहे हैं। इनको ये लगता है कि ये लोग रोक पाएंगे विचारधारा को जो है। ये विचारधारा जो है ये व्यक्ति विशेष विचारधारा नहीं है, ये एक आंदोलन है, बहुजनों का आंदोलन है। 200 साल के बावजूद भी इन लोगों ने देख लिया कि भी जिस तरीके से ये प्री प्लान था इन लोगों का जो है, दुकानें बंद की गई, खाने पीने की जो राशन की जो दुकानें थी उनको बंद किया गया, पानी की बोतलें तक नसीब नहीं हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे जो है, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जहां बच्चों को दूध मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें बंद की गई, और सरकार को इस बात परमिशन दी जाती है, हर दफ़े परमिशन के लिए लेटर दिया जाता है। सरकार इस जो है वो जानती है कि 1 जनवरी को जो भीमा कोरेगांव पर जो भीम सैनिक जो है वो सल्यूट करने आते हैं, ये सरकार के नुमाइंदे तो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे जो है। और यहाँ से हुकार रैली से हम लोग जो है ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, संख्या बल में ये हमसे नहीं जा सकते, वैचारिक बल में हम लोगों से नहीं जा सकते। हमारी धैर्य की परीक्षा ना लें, धैर्य की परीक्षा अगर ये लेंगे तो इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे भीमा कोरेगांव में खाई हो, चाहे 200 साल के बाद खाई हो। अगर ये सोचते हैं कि ये रक्त रंजिश क्रांति करना चाहते हैं, ये वो झूठे मक्कार लोग हैं। विदेशों में जाके तो तथागत बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, लेकिन भारत में आके जो है जय श्री राम के नारे लगाते हैं। हमें इनके जय श्री राम से कोई गुरेज नहीं है, ये लगाएं जय श्री राम के नारे, लेकिन हम लोग जब जय भीम का नारा लगाते हैं तो इनके कलेजे में जन की धड़कनें जो बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों है? जब ये जय भीम की बात करते हैं, ये बाबा साहब को जो है ये कहते हैं हम लोग जय भीम के सेवक, हम लोग भीमराव के सेवक हैं। खुद नरेंद्र मोदी जो है बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड पर जो है, जहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से हम लोग, पिछले 12 साल से हम लोग हंसदो इंडिया के मार्फत जो है हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग देखिए 26 अलीपुर रोड के मैटर को जो है, उसमें देखिए भी किस तरीके से 26 अलीपुर रोड बनाया जा रहा था, उसमें भीमा कोरेगांव स्तंभ जो है वो सबसे पहले लगाया जाता था। इन लोगों ने जो है वो स्तंभ रात को जानबूझ के चोरी करवाया है, उसकी जगह जो सम्राट अशोक का स्तंभ लगाया, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि भी यहाँ पर भी जो है जो लोग भीमा कोरेगांव जो जा नहीं सकते, जो भीम अनुयायी जो कम से कम यहाँ सल्यूट करने ना आए, ये डरते हैं भीमा कोरेगांव के स्तंभ से, ये डरते हैं भीम आइडियोलॉजी से, और इनको डरना पड़ेगा। बाबा साहब की आइडियोलॉजी जो है वो ऐसी जो है इंसानियत को जो है
मतलब पीछे धकड़ने वाली जो ताकतें हैं उनको डरना पड़ेगा, जो आज भारत में जो है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे सुदर्शन, चाहे कोई भी हो जो है, उनको बाबा साहब की आइडियोलॉजी के ऊपर सामने झुकना पड़ेगा। ये देश नहीं, आज पूरी दुनिया जो है बाबा साहब की शिक्षाओं का लोहा मान रही है। पूरी दुनिया ने बाबा साहब नॉलेज ऑफ का सिंबल का जो अवार्ड दिया। मैं बताना चाहूँगा, ओबामा ने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर मेरे देश में होते तो हम लोग सूर्य की तरह उसको आगे लेके आते। जो नरेंद्र मोदी खुद बाबा साहब की बात करते हैं, विदेशों में जाके बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन यहाँ भारत में जो बाबा साहब की बेटी के साथ इतना वर्चुअल बलात्कार किया जाता है, मेरी माँ बहन बेटियों के साथ, और नरेंद्र मोदी जो ना उफ तक नहीं कर पाते। गुजरात के अंदर जो ऊना में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ, मिर्ज़पुर में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ, बघाना में जो कांड हुआ, दुलीना में जो कांड हुआ, और सहारनपुर में भाई जो है रावण के साथ जो हो रहा है, ये अनजस्टिस हो रहा है। अगर भूखे को खाना खिलाना गुना है तो ये अम्बेडकरवादी हर समय गुना करते रहेंगे। अगर कपड़े नहीं है किसी के तन पर, अगर राउंड कपड़े पहना रहा है तो वो कोई गुना नहीं है, उसके लिए विजय बहुत तैयार है, उसके लिए हंस दो इंडिया परिवार तिमार दीवार है, उसके लिए पूरा भीम सैनिक, पूरी बाबा साहब की आइडियोलॉजी जो है इसके लिए जो ना बिल्कुल तैयार है। और जब जब भीम सैनिक जो है, चाहे पार्लियामेंट से, चाहे जंतर मंतर पे, कहीं पर भी कोई आवाज़ उठाती है तो हम लोग जो है लाखों की तादाद में जय भीम करते हुए एकजुट होंगे और विभिषणकारी ताकतों को इनका मुँह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद।